डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 41 को समझेंगे। तो इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, तो इसमें सिखाया जाएगा कि इन रिचेस वोकेबुलरी थ्रू वर्ड बिल्डिंग सच एज रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। कि इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमारी जो वोकेबुलरी है यानी अल्फाज के जो ज़खीरा है, अल्फाज है हमारे पास जितने भी शब्द है, तो उसको हम कैसे बनाएं, कैसे बढ़ाएं वर्ड बिल्डिंग के ज़रिए यानी अल्फाजों को बनाने के ज़रिए, जैसे कि रूट वर्ड्स है, प्रीफिक्स है और सफिक्स है। यानी रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स के ज़रिए हम कैसे अल्फाजों को बना सकते हैं और इससे हमारे अल्फाज के ज़खीरे में नए नए शब्दों में हम अपने इजाफा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वैसे रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स के ताल्लुक से हम एक्टिविटी नंबर 37 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इस एक्टिविटी में बस उसी एक्टिविटी के तरह ही थोड़ा सा हमको रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताया जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स को इस एक्टिविटी में क्या करना है, तो फर्स्ट है इनकरेज द लर्नर टू फाइंड बेस वर्ड्स। के लर्नर को, स्टूडेंट को बेस वर्ड तलाश करने के लिए कहा जाए, उनकी हिम्मत अफजाई की जाए। सेकंड है इंट्रोड्यूस द लर्नर विद द टाइप ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। के लर्नर को, स्टूडेंट को अलग अलग टाइप के सफिक्स और प्रीफिक्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उनको बताया जाए। थर्ड है गिव द लर्नर मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द फिक्सेशन मीनिंगफुली। के स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दी जाए ताकि वह फिक्सेशन को मीनिंगफुली यूज़ कर सके। और फोर्थ है आस्क लर्नर यूज़ अफिक्सेशन एप्रोप्रिएटली। के स्टूडेंट से कहा जाए कि वो अफिक्सेशन को एप्रोप्रिएटली सही से यूज़ करे। अफिक्सेशन माने होंगे कि प्रीफिक्स लगाना या सफिक्स लगाना। फिफ्थ है एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन क्लियरली। के जो भी इंस्ट्रक्शन है तो उसको क्लियरली वो बताए, एक्सप्लेन करे, डिटेल में बताए उसको। सिक्स्थ है फर्स्ट गिव एग्जाम्पल्स एंड ब्रिंग टू देयर नोटिस द चेंजेस इन द रूट वर्ड। के टीचर कुछ एग्जांपल्स देगा और फिर स्टूडेंट की नोटिस में लाएगा, स्टूडेंट को बताएगा कि रूट वर्ड में जो चेंजेस आ रहे हैं प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने के बाद में। सेवंथ है रीफ्रेम वेरिड एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कट इट, ग्रो इट, यूज इट। के अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी तो उसको रीफ्रेम करें, अलग अलग तरीके से बनाएं। कौन कौन सी, किस बिना पर, कट इट, ग्रो इट, यूज इट की बिना पर। अब ये कट इट, ग्रो इट, यूज इट क्या है, तो ये आगे हम इसी एक्टिविटी में समझेंगे। एट्थ है इनकरेज स्टूडेंट टू फ्रेम एक्टिविटीज़ ऑन देयर ओन। के स्टूडेंट को इस बात के लिए हिम्मत अफजाई की जाए कि वो अपने से, खुद से अलग अलग एक्टिविटीज़ को बनाए, फ्रेम करे। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, तो फर्स्ट है लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स केयरफुली। कि अपने टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स की जो इंस्ट्रक्शन है तो उनको उन्हें गौर से सुनना है। और सेकंड है फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज पर सजेस्टेड गाइडलाइंस। के जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे तो उनको उन्हें सजेस्टेड गाइडलाइन के तौर पर उनको फॉलो करना है। और थर्ड है एक्सप्लोर मोर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। के इस एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको एक्सप्लोर करें। लर्निंग एक्टिविटी, तो लर्निंग एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस प्री रीडिंग एक्टिविटी। के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के प्री रीडिंग एक्टिविटी है जिसमें हमको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के यूजेज बताए जाएंगे। तो ये एक एक्टिविटी है, लेकिन इस एक्टिविटी से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक्टिविटी नंबर 37 जो है तो उसमें हम प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में आपको ये एक्टिविटी करने में बहुत आसानी होगी। लर्निंग एक्टिविटी है डिवाइड द क्लास इन टू ग्रुप्स। के जो क्लास है तो उसको हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ईच ग्रुप विल बी गिवन सम पीसेस ऑफ सेंचुरी पेपर्स। के हर ग्रुप को सेंचुरी पेपर्स के कुछ टुकड़े दिए जाएंगे। एंड मेक लर्नर टू ड्रॉ फिशेस ऑन अ चार्ट पेपर। और लर्नर को, स्टूडेंट को कहा जाएगा कि वो एक चार्ट पेपर पर कुछ फिशेस, कुछ मछलियाँ ड्रॉ करे। फिशेस विल हैव रूट वर्ड्स रिटन ऑन देम। जो मछलियाँ होंगी तो उनके ऊपर रूट वर्ड्स को लिखाया जाएगा, उनके ऊपर रूट वर्ड्स लिखे हुए होंगे। देन आज द स्टूडेंट टू अटैच प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू इट आफ्टर राइटिंग ऑन अनदर पीसेस ऑफ पेपर। फिर उसके बाद स्टूडेंट से कहा जाएगा कि उनके ऊपर, यानी जो मछलियों के ऊपर हमने रूट वर्ड्स लिखे थे तो उसके ऊपर वो लोग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को अटैच करेंगे, चिपकाएंगे उनको किसी दूसरे पेपर पर लिखने के बाद में। यानी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को एक दूसरे पेपर पर लिखेंगे और
रूट वर्ड्स को एक दूसरे पेपर पे लिखेंगे और रूट वर्ड्स के ऊपर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को लगाएंगे. गिव स्टूडेंट सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस सच एज इम, बाय, एबल, डिस ऑन द बॉडी ऑफ ईच फिश. हर स्टूडेंट को कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दिए जाएंगे, जैसे कि इम, बाय, एबल, डिस, जो कि फिश की बॉडी पर होंगे. द पेयरिंग वर्ड विल बी सच लाइक पॉसिबल, साइकिल, वैल्यू, कम्फर्ट. और इन सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस से जोड़ने के लिए जो रूट वर्ड्स और पेयरिंग वर्ड्स आएंगे तो वो इस तरह के होंगे, जैसे पॉसिबल, साइकिल, वैल्यू, कम्फर्ट. स्टूडेंट हैव टू पुट टुगेदर द वर्ड. तो स्टूडेंट को ये करना होगा कि ये दोनों वर्ड है तो उनको जोड़ना होगा, यानी रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स और सफिक्सेस को, एंड राइट इट नीटली एंड क्लियरली ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर. और फिर उसके बाद में वो जोड़ने के बाद में उन्हें साफ और सुथरे अंदाज में एक छोटे कागज़ के टुकड़े पर लिखेंगे, एंड स्टिक इट ऑन द वॉल, और उसको दीवार पर चिपका देंगे. तो ये एक एक्टिविटी है जिसके ज़रिए हमको बताया जाएगा कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस क्या होते हैं. वट इज़ प्रीफिक्स? तो प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मीन्स टू फिक्स बिफोर, कि प्रीफिक्स की मीनिंग होती है कि किसी चीज़ को पहले फिक्स कर लेना. और प्रीफिक्सेस आर प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ वर्ड, या प्रीफिक्सेस किसी वर्ड से पहले लगाए जाते हैं टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, उस वर्ड के मीनिंग को चेंज करने के लिए. एग्जाम्पल है बाइसिकल, अनकाइंड, इम्पॉसिबल, कम्फर्टेबल, एट्सेट्रा. तो इसमें ये जितने वर्ड्स आए हैं तो उसमें बाई, अन, एम, अन, ये जितने भी वर्ड्स हैं तो ये सब प्रीफिक्सेस है. व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स क्या होता है? तो सफिक्स इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड, के सफिक्स को वर्ड के एंड पर लगाया जाता है. एग्जांपल है स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली, वैल्यूएबल. तो ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं तो उसमें ली, फुली, ली और एबल, ये जो वर्ड्स है या जो लेटर्स है तो ये सब सफिक्सेस है. Choose the correct prefixes and suffixes from the bracket and join to the following root. यहाँ पे एक activity दी जा रही है कि जो भी prefixes और suffixes आ रहे हैं तो उनको हमको सही से चुनना है और उनको following root में, यानी जो नीचे आए हुए root words है तो उनके साथ में उसको attach करना है. तो नीचे हमको एक कॉलम में कुछ root words दिए गए हैं और उनके सामने हमको prefix या suffix लगाकर एक नया word बनाना है. वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमको एक नया मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. एड करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्सेस टू द गिवन वर्ड्स, के नीचे जो रूट वर्ड्स दिए गए हैं तो उस पर हमें प्रीफिक्सेस और सफिक्स लगाना है ताकि एक नया वर्ड हम बना सके. और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कौन से लगाएंगे? तो बाई, एट, नेस, फुल, वेंट, एरी, री, नॉन, को और ली. ये जो एक्टिविटी है, ये जो यहाँ पे हमको प्रैक्टिस दी जा रही है, तो ये इससे पहले आ चुकी है एक्टिविटी नंबर 37 में, तो हम उसको देखते हैं. तो रूट वर्ड है डिक्शन, तो डिक्शनरी से हम जो नया वर्ड बनाएंगे वो है डिक्शनरी. सेकंड है हैप्पी, तो हैप्पी से जो वर्ड बनेगा वो है हैप्पीली. फॉर्च्यून, तो फॉर्च्यून से जो न्यू वर्ड बनेगा सफिक्स लगाने के बाद में वो होगा फॉर्चुनेट. पे, तो पे से जो नया वर्ड बनेगा प्रीफिक्स लगाने के बाद में वो होगा रीपे. फिफ्थ है इंजॉय, तो इंजॉय में हम मेंट का सफिक्स लगाएंगे और जो नया वर्ड बनेगा वो होगा इंजॉयमेंट. सिक्स्थ है हेल्प, तो हेल्प में हम फुल का सफिक्स लगाएंगे और नया वर्ड बनेगा हेल्पफुल. और सेंस है सेवंथ वर्ड, तो उसमें हम जो प्रीफिक्स लगाएंगे वो है नॉन, तो उसका नया वर्ड बनेगा नॉन सेंस. नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइंड अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फ्रॉम द गिवन बैंक्स एंड फिल इन द बॉक्सेस विद द रूट वर्ड्स, के नीचे कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं और कुछ सफिक्सेस दिए गए हैं, तो उन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को हमको रूट वर्ड से पहले या बाद में लगाना है. अब रूट वर्ड्स क्या है, तो ये आगे आ रहा है. तो पहला जो वर्ड है वो है अपीयर, इसमें हम डिस का प्रीफिक्स लगाएंगे तो पूरा वर्ड बन जाएगा डिसअपीयर, यानी गायब हो जाना, और अपीयर माने होता है सामने आ जाना. दूसरा जो वर्ड है वो है पनिश, तो पनिश में हम लगाएंगे मेंट का सफिक्स तो वर्ड बन जाएगा पनिशमेंट. पनिश माने होता है किसी को सजा देना और पनिशमेंट माने होता है सजा. हैप्पी माने होता है खुश, ये रूट वर्ड है और इससे पहले हम अन वर्ड लगा देंगे, अन लेटर्स लगा देंगे तो ये बन जाएगा अनहैप्पी माने ना खुश. केयर माने होता है किसी की परवाह करना, किसी की देखभाल करना. केयर रूट वर्ड के साथ में जब हम फुल का सफिक्स लगाएंगे तो वर्ड बन जाएगा केयरफुल और इसके मीनिंग होंगे केयर से रहने वाला या फिर ये के एहतियात करने वाला. सॉल्व एक्टिविटी, डेमो एक्टिविटी, फाइंड द रूट वर्ड्स इन द फॉलोइंग, के नीचे आए हुए जो वर्ड है तो उसमें से हमको रूट वर्ड्स तलाश करना है.
तो फर्स्ट वर्ड है अनस्टेबल, तो अनस्टेबल का जो रूट वर्ड है वो है स्टेबल, और हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का जो रूट वर्ड है तो वो है हैप्पी। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में हमको कट इट, ग्रो इट, यूज इट वाली एक्टिविटी दी जा रही है। इस एक्टिविटी का मतलब क्या है, तो आगे हमको समझाया जा रहा है कि कट इट माने होंगे रिमूव द अफिक्सेशन एंड राइट द रूट वर्ड, के कट इट की मीनिंग होंगे कि जो रूट वर्ड में जो भी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हुआ है तो उसको हमें निकाल देना है। ग्रो इट, एड प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू द रूट वर्ड, के अगर किसी रूट वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं है तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स को लगाना है। यूज इट, तो यूज इट में कहा जा रहा है कि फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग द रूट वर्ड और द अफिक्स्ड वर्ड, के जो रूट वर्ड है तो उसको यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाना है, या फिर अफिक्स्ड वर्ड को यानी प्रीफिक्स और सफिक्स लगे हुए वर्ड को यूज करते हुए हमें एक सेंटेंस बनाना है। नीचे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं तो इनको हम अब देखते हैं। तो जितने भी वर्ड आए हैं तो हम उसको पहले हम रूट वर्ड के तौर पर यूज़ करेंगे, बाद में इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के यूज़ करेंगे। तो कट इट, तो यहाँ पे हम उसमें बगैर प्रीफिक्स और सफिक्स के यूज़ करेंगे। यू मस्ट डू द बिजनेस विद एन ऑनेस्ट मैन, कि तुम्हें एक ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी के साथ में बिजनेस करना चाहिए। ग्रो इट, तो इसमें हम ऑनेस्ट वर्ड के साथ में एक प्रीफिक्स लगाएंगे, वो है डिस, और फिर इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। माई फ्रेंड इज़ अ डिसऑनेस्ट मैन, मेरा दोस्त एक बेईमान आदमी है। सेकंड वर्ड है काइंड, तो कट इट में हम जो यूज़ करेंगे काइंड पीपल ऑलवेज विन द हार्ट, के जो रहमदिल लोग होते हैं तो वो हमेशा दिलों को जीत लेते हैं। ग्रो इट, तो ग्रो इट में हम इसके साथ में एक सफिक्स लगाएंगे नेस का, काइंडनेस, और जो सेंटेंस होगा वो होगा शो सम काइंडनेस टू द पुअर, कि जो गरीब लोगों के साथ में थोड़ी सी रहमदिली दिखाओ। तीसरा जो वर्ड है वो है प्ले, तो कट इट में हम इसको बगैर किसी प्रीफिक्स और सफिक्स के यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एवरी टाइम, के बच्चे हर टाइम हर वक्त खेलना पसंद करते हैं। और ग्रो इट में हम इसके साथ में एक प्रीफिक्स लगाएंगे और वर्ड बन जाएगा रिप्ले, के कैन यू प्लीज़ रिप्ले द वीडियो फॉर मी, के क्या तुम मेरे लिए इस वीडियो को दोबारा चला सकते हो, दोबारा शुरू कर सकते हो। तो रिप्ले कहते हैं किसी चीज़ को दोबारा शुरू करना। फोर्थ वर्ड है हेल्प, तो कट इट में हम इसको बगैर किसी प्रीफिक्स और सफिक्स के यूज़ करेंगे। दे रन एन ऑर्गेनाइजेशन, के वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। एंड दे हेल्प द स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट की मदद करते हैं। ग्रो इट में हम हेल्प वर्ड के साथ में एक सफिक्स लगाएंगे लेस का, और उसको यूज़ करेंगे। आई वॉज अलोन ऑन द रोड फीलिंग सो हेल्पलेस, कि मैं रोड पर अकेला था और बहुत ही हेल्पलेस, बेयारो मददगार महसूस कर रहा था। फिफ्थ वर्ड है कंस्ट्रक्ट, तो कट इट में हम इसको बगैर किसी प्रीफिक्स और सफिक्स के यूज़ करेंगे। ही इज़ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग हियर, तो वो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने वाला है। और ग्रो इट में हम कंस्ट्रक्ट के साथ में शन का सफिक्स लगाएंगे, और जो सेंटेंस होगा वो होगा द कंस्ट्रक्शन वर्क विल स्टार्ट वेरी सून, के जो बनाने का काम है, बिल्डिंग बनाने का जो काम है तो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि आस्क स्टूडेंट टू फाइंड वर्ड्स फ्रॉम देयर टेक्स्ट एंड रिपीट द कट इट ग्रो इट यूज इट एक्टिविटी, कि स्टूडेंट से कहा जाए कि उनके टेक्स्ट में से वो वर्ड को तलाश करें और फिर कट इट ग्रो इट यूज इट वाली एक्टिविटी को दोबारा दोहराए। तो हमें क्या करना है कि अपने टेक्स्ट बुक में से वर्ड को ढूंढना है और फिर कट इट ग्रो इट और यूज इट वाली एक्टिविटी को लिखना है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, तो मैंने 8th स्टैंडर्ड का जो दूसरा सबक है, दूसरा लेसन है एनरिकिलिस एंड द लॉयन, तो उसी में से पूरे वर्ड्स लिए हैं। फर्स्ट वर्ड है कोर्टियस, तो कट इट में हम इस वर्ड के सफिक्स को निकाल लेंगे और सेंटेंस होगा द प्रिजनर वॉज समन टू द एम्परर्स कोर्ट, के कैदी को बादशाह के कोर्ट में, बादशाह के दरबार में हुक्म दिया गया, बुलाया गया। तो कोर्ट, हमने अस का जो सफिक्स था तो वहाँ यहाँ से हटा दिया। ग्रो इट, अब इसमें हम उसको सफिक्स के साथ में यूज़ करेंगे। द प्रिजनर वॉज जेंटल काइंड एंड कोर्टियस, के जो कैदी था तो वो बहुत रहमदिल, नेक और कोर्टियस और अच्छा इंसान था। हर्टलेस, तो हर्टलेस में हम कट इट, इसमें हम हर्टलेस को बगैर किसी प्रीफिक्स और सफिक्स के यूज़ करेंगे। ही हैज़ अ बिग हर्ट, कि उसके पास एक बड़ा दिल है। ग्रो इट, तो इसमें हम हर्ट वर्ड को एक सफिक्स के साथ में यूज़ करेंगे, लेस के साथ में, और सेंटेंस होगा बट हिज ब्रदर इज़ अ हर्टलेस मैन, लेकिन उसका भाई एक बेदिल इंसान है।
कॉशियसली, तो कट इट में हम एल वाई या ली का जो सफिक्स लगा हुआ है तो वो हटा देंगे और सेंटेंस बनाएंगे यू शुड बी कॉशियस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, के इस महामारी के दरमियान, इस महामारी के दौरान तुमको कॉशियस एहतियात से रहना चाहिए। और ग्रो इट में हम कॉशियसली को सफिक्स के साथ में ही यूज़ करेंगे और सेंटेंस बनेगा ही ओपन द डोर कॉशियसली, कि उसने बहुत एहतियात के साथ में दरवाज़ा खोला। इंटेंशन कट इट में हम इंटेंशन को बगैर सफिक्स के यूज़ करेंगे और जो सेंटेंस होगा वो होगा कि दे इंटेंड टू ओपन अ न्यू बिजनेस, के उनका एक नया बिजनेस खोलने का इरादा है। ग्रो इट, तो ग्रो इट में हम इंटेंड वर्ड को शन सफिक्स के साथ में यूज़ करेंगे और पूरा सेंटेंस होगा कि ही माइट बी डूइंग अ रॉन्ग थिंग, के वो अगरचे गलत चीज़ कर रहा है बट हिज इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं है। अनबाउंड, तो अनबाउंड को कट इट में हम बगैर प्रीफिक्स के यूज़ करेंगे, अन को हटा देंगे और सेंटेंस बनेगा आई एम बाउंड टू ओबे माई मास्टर, कि मुझे अपने आका की ताबेदारी करना है, हुक्मदारी करना है और मैं इसका पाबंद हूँ। ग्रो इट में हम बाउंड से पहले अन का प्रीफिक्स लगाएंगे और जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा द प्रिजनर्स चेन वर अनबाउंड एंड ही वॉज सेट फ्री, के प्रिजनर की, कैदी की जो चेन थी, जो भी जंजीरी थी, तो उसको खोल दिया गया और वो आज़ाद कर दिया गया। इवैल्यूएशन में हमसे कहा जा रहा है कि राइट अ रूट वर्ड एट द बेस ऑफ द ट्रीज, के ट्री के बेस में यानी ट्री के एकदम नीचे हमको एक रूट वर्ड लिखना है। थिंक ऑफ एज मैनी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस एज यू कैन, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हमको सोचना है। एंड राइट द न्यू वर्ड्स इन द लीव्स ऑफ द ट्री, और जो दरख्त के पत्ते हैं तो उसमें हमको नया वर्ड को लिखना है। तो यहाँ पे इस ट्री के बेस में हमने अपियर वर्ड लिखा और फिर इसके अपियर वर्ड के साथ में हमने जितने भी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जोड़ सकते हैं तो उसको जोड़कर नए नए वर्ड्स लिखे हैं। तो अपियर माने होता है जाहिर होना, सामने आ जाना, डिसअपियर माने होता है गायब हो जाना, और रीअपियर माने होता है दोबारा सामने आ जाना। अपियरिंग, अपियरिंग माने होता है सामने आने वाला, और अपियर्ड माने होता है सामने आया। डिसअपियरेंस माने होता है गायब हो जाना, और रीअपियर्ड माने होता है कि दोबारा सामने आया। तो डिसअपियर में हमने डिस का प्रीफिक्स लगाया, रीअपियर में हमने री का प्रीफिक्स लगाया, अपियरिंग में हमने आईएनजी का सफिक्स लगाया और अपियर्ड में हमने ईडी का सफिक्स लगाया। डिसअपियरेंस में हमने डिस का प्रीफिक्स लगाया और एंस का प्रीफिक्स लगाया, और रीअपियर्ड में हमने री का प्रीफिक्स लगाया और ईडी का सफिक्स लगाया। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट क्यूआर कोड, तो यहाँ पे तीन लिंक दी गई है। पहली जो लिंक है तो दीक्षा ऐप की है, और जो दूसरी बाकी की लिंक है तो वो यूट्यूब वीडियोस की है। तो इन तीनों लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, के मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा। तो फर्स्ट है आई लर्न द स्किल ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, के मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज़ करने की स्किल को सीखा ताकि मैं वर्ड की मीनिंग को समझ सकूँ। और सेकंड है आई लर्न टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रूट वर्ड एंड अफिक्सेस, कि मैंने ये सीखा कि मैं अफिक्सेस और रूट वर्ड के फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकूँ। और थर्ड है आई लर्न टू क्रिएट न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्सेस टू रूट वर्ड्स, कि मैंने न्यू वर्ड को बनाना सीखा, नए वर्ड को बनाना सीखा रूट वर्ड में अफिक्सेस को जोड़ने के जरिए। तो आज की जो एक्टिविटी थी बेसिकली वो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस और रूट वर्ड के बारे में थी, और इससे पहले की जो एक्टिविटी थी 37 नंबर की, तो उसमें भी हमने रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में ही पढ़ा था। तो इन दोनों एक्टिविटी को मिला के पढ़िए तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने आज की एक्टिविटी को अच्छे से कम्प्लीटली समझ लिया होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।